बहू अक्षरा कसौटी जिंदगी की में कमालिका बन गई। टेलीविजन की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी हिना खान अब बॉलीवुड की तरफ रुख कर चुकी हैं। हिना खान ने ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के बाद कसौटी की कमालिका का नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया, लेकिन अपने बॉलीवुड कमिटमेंट की वजह से कमालिका का किरदार उन्होंने छोड़ दिया। अब रिसेंटली हिना खान का एक इंटरव्यू हुआ है जहां उन्होंने बॉलीवुड में जाने और ये रिश्ता क्या कहलाता है के बाद कसौटी को छोड़ने पर बड़ा स्टेटमेंट दिया है। हिना खान ने कहा, गुडबाय हमेशा ही मुश्किल होते हैं, खासकर तब जब आपने किसी कैरेक्टर के लिए बहुत कुछ किया हो। मैं हमेशा ही अपने कैरेक्टर को काफी ज्यादा देती हूँ। मैं सिर्फ ऐसे ही कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चुनती। अगर मैंने किसी कैरेक्टर को चुना है तो मैं उसे अपना दिल और आत्मा देती हूँ। कमालिका के साथ भी ऐसा ही था। मैंने इस किरदार को अपना स्वैग दिया। मैं जानती थी कि ये एक फ्रेश शो नहीं है। मैं जानती हूँ कि उर्वशी ने इस रोल को पहले ही आइकॉनिक और बड़ा बना दिया है, तो इसलिए मेरे लिए ये एक बड़ा चैलेंज था। किसी और की जगह में आना और लोगों द्वारा अपनाया जाना ये बिल्कुल आसान नहीं था, मगर फिर भी सबने इसे पसंद किया। मेरे पास टाइम नहीं थी, लेकिन मेकर्स को तुरंत ही कमालिका को दिखाना था, इसलिए ये नहीं हो पाया। बता दे आपको, हिना खान के बाद कमालिका के कैरेक्टर के लिए टेलीडाउन की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस आमना शरीफ को कास्ट कर लिया गया है, जो बीते काफी टाइम से टीवी पर्दे से दूर हैं। हिना खान फिल्म लाइन से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। आगे उनके पास 6 बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं। वो इंडो हॉलीवुड फिल्म द कंट्री ऑफ ब्लाइंड में भी नजर आने वाली हैं। तो ऐसे में लगता है अब हिना खान को टेलीटाउन के प्रोजेक्ट्स भा नहीं रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।